एसएचओ सिंघाना श्री संजय शर्मा को शाम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि रायपुर जाटान में जो है वो राजवीर सन ऑफ मनरूप जाति जाट ने जो है अपने खेतों में सरसों के बीच जो है वो अफीम की खेती कर रखी है। इस पर एसएचओ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिरी सूचना को जो है वो तहकीकात की गई और उस पर उन्होंने तीन टीमों का डीएसटी क्यूआरटी और स्वयं थाने का जाब्ता लेके गए और वहाँ पर मौके पर ही जो है डीवाईएसपी खेतड़ी और नायब तहसीलदार बुहाना श्री लक्ष्मी नारायण को मौके पर बुलाया गया। श्री लक्ष्मी नारायण को जो है मुखबिर की जो सूचना थी उसे अवगत कराया गया और एनडीपीएस के जो प्रावधानों के तहत जो है राजवीर के खेत की तलाशी ली गई। राजवीर जो है अपने खेत में ही सोता पाया गया, वहीं पर जो है राजवीर ने अपने खेतों पर जो है एक मुर्गा फार्म भी खोल रखा है और वहीं सरसों के बीच में करीबन 2 बीघा ज़मीन में जो है अफीम की खेती जो है वो दिखाई दी। अफीम की खेती पर वर्तमान में जो है डोडे और सफ़ेद फूल आए हुए थे और वो करीबन जो है वहाँ पर मौके पे एसएचओ और उसकी टीम ने जो है 21,650 पौधे में जड़ सहित जो है वो अफीम के वहाँ पर जब्त किए हैं, जिनका मौके पे ही वजन करवाया गया, जिसका वजन 8 क्विंटल 76 किलोग्राम 760 ग्राम पाया गया। कि इस तरह से करीबन 2 बीघा ज़मीन में जो है अवैध तरीके से अफीम की खेती करने का प्रकरण जो है ये सामने आया है। मौके पे ही जो है एनडीपीएस के प्रावधानों का जो है पालन करते हुए आरोपी श्री राजवीर सन ऑफ मनरूप जाति जाट ग्राम रायपुर जाटान को जो है मौके पर गिरफ्तार किया गया। अब आगे जो है आरोपी से कि ये कहाँ से बीज लाया और किसने इसको मोटिवेट किया और जो फसल ये जब हो जाती है इसका प्रोडक्शन हो जाता तो कहाँ इसको सेल करता, ये किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ये सारी जो है बाद में इसको पीसी रिमांड लेके और जो सारी जो चीज़ें